चैनल इंडिया क्राइम न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का एंकर राजविंदर कौर वालों स्वागत है। बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लै के बड़े लंबे समय तो मंग चलती आ रही है पर किसी तरह भी ओ पूरी हुंदी नजर नहीं आ रही। अज बटाला दे इतिहासिक गुरुद्वारा श्री अचल साहिब दे नाल नाल पंजाब दे 25 गुरुद्वारियां विचों दस्तखी मुहिम शुरू कीती गई जिथे भारी गिनती विच सिंघां ने पहुंच के इस मुहिम विच हिस्सा लिया अते बंदी सिंघां दी रिहाई वाले दस्तखी फार्म भरे। जानकारी दिंदियां SGPC मेंबर अते सकत्तर ने दस्या कि इस मुहिम राही बंदी सिंघां दी रिहाई दी मांग करांगे अते हर पिंड पिंड जाके एह फार्म भरे जाणगे अते एह फार्म भर के राजपाल नूं दित्ते जाणगे। अज वी सैकड़े फार्म भरे गए। उन्हां कहा जेकर राजीव गांधी दे कातल या फिर बलात्कारी रिहा हो सकते हैं ता फिर बंदी सिंह क्यों नहीं जिन्हां ने अपनियां सजावां भी पूरियां कर लियां हन। उन्हां कहा जेकर पहलियां कोशिशां सफल नहीं हुईयां ता कोई नहीं जतन करदे रहना है बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउण लई। दीपक कुमार अते लक्की पाटिया दी खास रिपोर्ट। मिलदे हां अगली खबर दे नाल। तुसी देखदे रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज। धन्नवाद। अज दफ्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान साहब एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी धामी वल्लों कीते ऐलान मुताबक अज गुरद्वारा अचल साहब विखे जिहड़ा सीगा वह पहुँचे हैं। जिहड़े साढ़े 9 बंदी वीर जिहड़े ने पिछले 30-30, 32-32 सालों तो जेल दियां काल कोठड़ियां विच बंद ने उन्हां समेत होर भी जिहड़े साढ़े सिंह ने उन्हां सारे बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय विच वड्डे उपराले आरंभे और उस उपराले की कड़ी वजों एक ये ऐलान किया गया सी संस्था वालों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि असी एक पंजाब भर में हरियाणे ते बाकी स्टेटां दे विच भी जिहड़ी दस्तखती मुहिम जिहड़ी हैगी उह शुरू करांगे क्योंकि सिखां दी इह पार्लीमेंट जिहड़ी आ इह संविधान दे विच रह के विधानक तौर पर जिहड़ी हैगी उह रिहाई वास्ते जिहड़ी हैगी उह कोशिश जारी रख रही आ। और अज असी इह गुरद्वारा अचल साहब तो जिहड़ा दस्तखती मुहिम शुरू कीती आ गुरु नानक पातशाह दे दर तों और इह जिहड़ी साडी दस्तखती मुहिम आ इह हरेक पंजाब दे घर घर तक असी जिहड़ा हैगा उह लै के जावांगे। हरेक सुहिरद सिख नूं हरेक गुरु नानक नाम लेवा सिख नूं और इस मुहिम का जिहड़ा वो पार्टी पद्धर तो उपर उठ के इहदा हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि जिहड़े ये बंदी वीर साढ़े लंबे समय तो जेलों में ने इन्हां दा किसी का भी कोई निजी मुफाद नहीं सी। इन्हां दा सिर्फ इन्ना ही सीगा कि जून 84 दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते समय की कांग्रेस सरकार वालों हमला किया गया। नवंबर दे विच जिहड़ा सीगा वो दिल्ली समेत बहुत सारे होर भी सूबियां दे विच सिख नसलकुशी वड्डे रूप विच जिहड़ी हैगी उह कीती गई। उस दे रोस उस दे प्रोटेस्ट वजों जिहड़ा सीगा इन्हां वीरां ने जिहड़ा वो संघर्ष दे विच जिहड़ा सीगा वो हिस्सा लिया और ये मेरा ख्याल है कि इन्हां दे विच बहुत सारे साडे वीर ऐसे ने जिन्हां दा कोई क्रिमिनल पिछोकड़ नहीं। और मैं ये महसूस करदा दस के कि केंद्र सरकार ने जिहड़ा पिछले समय दे विच बिलकिस बानो दे जिहड़े बलात्कारी सन उन्हां नूं रिहा किया इस दे नाल नाल राजीव गांधी के कातलों नूं भी रिहा किया और एक तुसी अक्सर देखते रहिंदे हो क्योंकि मीडिया जिहड़ा वो अजकल सारी गल समझदा है कि जिहड़ा राम रहीम आ मेरे ख्याल उहनूं चौथी वार जिहड़ी हैगी उह साल दे विच विच परोल मिल गई। और साडे इन्हां बंदी सिंह जिहड़े ने इन्हां दे विचों केवल दविंदरपाल सिंह भुल्लर ही आ जिहनूं विचारे नूं पैरोल मिली बाकी जे पैरोल भी नहीं इन्हां नूं दित्ती गई। ये दोहरा कानून दोहरा मापदंड जिहड़ा हैगा वो नहीं होना चाहिए और असी अपील करते हैं कि ये दस्तखती मुहिम का वध तो वध जिहड़े हैगे वो साढ़े सिख वीर जिहड़े आ कोई भी मतलब सिख वीर नहीं कोई भी जिहड़ा सुहिरद पंजाबी आ वो इहदा हिस्सा बने और आपां तां कि ये जिहड़े लंबे समय तो जेलों में बैठे साढ़े वीर ने इन्हां नूं इन्हां दे घरां दे विच वापस लिया सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरद्वारा अचल साहब की पावन पवित्र धरती तो
प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी वालों जो एक प्रोग्राम लिखा गया उसके तहत सरदार कुलविंदर सिंह जी रमदास जिहड़े साढ़े एडिशनल सकत्तर ने उन्हां दे नाल सरदार मेजर सिंह जी ते सरदार गुरतिंदरपाल सिंह जी मीत मैनेजर दरबार साहब इत्थे आए ने। अज इस जो दस्तकी मुहिम जिहड़ी बंदी सिंघां नूं रिहा कराउण लई उहदा इत्थों आरंभता की गई है। इहदे नाल नाल अज पंजी गुरद्वारा साहिबान जिहड़े साढ़े इतिहासिक श्रोमणी गुरद्वारा उत्थे नाल उत्थे भी अज यह दस्ती मुहिम शुरू की गई है और साढ़े सत्कारयोग प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी ने यह आगाज़ जिहड़ा मुहिम दा दस्ती दा इत्थां श्री केसगढ़ साहब तो अज अमृतसर की पावन पवित्र धरती जिथे साडा तख्त अकाल तख्त साहब आ उत्थों ये दोवां थावां तो भी वह आरंभता करन जा रहे ने। सो आपां सारयां नूं पार्टियां दे उत्ते उठ के सिख होण दे नाते ये जो बंदी सिंह ने जिहड़े लंबे समय तो जेलां च बैठे ने भाई गुरदीप सिंह खैड़ा भाई प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर भाई बलवंत सिंह राजवाणा भाई जगतार सिंह हवारा भाई लखविंदर सिंह लखा भाई गुरमीत सिंह भाई शमशेर सिंह भाई परमजीत सिंह भ्योरा भाई जगतार सिंह तारा किसी नूं 35 साल हो गए किसी नूं 32 साल हो गए किसी नूं 17 साल हो गए किसी नूं 25 साल हो गए। मैं समझा सरकारां दे फैसले अत निंदनयोग ने जदों गुजरात च बलात्कारियों नूं जिन्हां ने कतल कर दिता उन्हां नूं रिहा कर दिता गया जिथे राजीव गांधी के कातलों रिहा कर दिता गया तो आप मोदी साहब गुरु नानक साहब की धरती सुल्तानपुर लोधी तो उन्होंने प्रकाश दिहाड़े से 550 साल से ऐलान करके गए कि सारे बंदी सिंह रिहा कर मैं इस स्टेज तो ऐलान करके जाना। अज तक कोई उन्होंने कन्ना से जू नहीं सरकी। साडे प्रधान साहब ने पहला भावें काले चोले पा के सारे ने ही वख वख जिले के डिप्टी कमिश्नर अगर धरना मारिया और अमृतसर कट्ठे हो गए भी डीसी के दफ्तर अगर धरना मारिया पर मैं समझना सरकारां बहुत नकमियां ने जो ये फैसला लेना ही नहीं चाहुंदियां। असी उन्हां दियां नक्क च दम करके ये बंदी सिंघां नूं रिहा कराउण दा हर जतन करांगे। अज अचल साहब की धरती तो यह दस्ती मुहिम जिहड़ी शुरू होई है मैं सारे नूं बेनती करांगा वड्डा सहयोग करो अपने अपने पिंडां च कैंप ला के ये बूथ ला के घर घर तो दस्ती मुहिम चुका के ये फार्म जिहड़े ने जिहड़े इतिहासक गुरद्वारे चों तुसीं लओ उत्थे जमा करवाओ ये आने वाले दिनों च चंडीगढ़ राजपाल नूं दे के और फिर अगला प्रोग्राम जो है लिखा जाएगा। नहीं बिल्कुल पलंदे नहीं बन गए। वेखो ये पहली बार दस्ती मुहिम जी आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शुरू हुई है और वड्डे पद्धर से जिहड़े ने सारे पंजाब दे विचों जिद्दां साडा जिहड़ा समां प्रधान साहब देणगे उह महीने का होवे दो महीने का होवे उह सारे इकट्ठे करके राजपाल दे दफ्तर च दे के आवांगे उहदे कोठी अगे उह ट्रक जिहड़े असीं भर के खड़ांगे उत्थे ला के आवांगे छड्ड के नहीं आउंदे। वेखो असीं कोशिश करना बंदे का फर्ज है कोशिश की है ये साडे परिवारां दे जी ने और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक महान संस्था उन्हें साडे इन्हां महान जो जेलां च बंद बंदी सिंह ने इन्हां दे परिवारां दी पहलां भी बांह फड़ी है हुण भी हर संभव जतन च लगी है। मैं समझना कोई ऐसी गल नहीं गुरु दी चरणां कीतियां अरदासां संगतां जदों तुर पैंदियां फिर कोई काम अधूरा नहीं रहिंदा। मैं जी ने दूजे दर्जे का गिनते ही नहीं आनूं शहरी ये तो सरकारां नकमियां अज घट गिनतियां नूं हर हीले नाल दबना चाहुंदियां भावें इन्हां ने पहला मुसलमान कम्यूनिटी नूं दब लिया पर सिख कौम कभी किसी को दबी नहीं गई ना दबी जानी है ये इन्हां दे सिर चढ़ के बोलेगी और ये बंदी सिंघां नूं इन्हां नूं रिहा करना पएगा। इंडिया क्राइम न्यूज जुल्म के खिलाफ जंग आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।